नमस्कार स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो निवृश्चिक राशि में सुरेश गौ ट्रिपल एस एम टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो निवृश्चिक राशि की उनके लिए रीडिंग करेंगे जो नो कांटेक्ट में हैं या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी रीजन से अपने पर्सन से दूरियां बनी हुई हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है, सेपरेशन चला हुआ है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी और ये 22 से लेकर 29 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं और ये सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें स्कॉर्पियो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, वो 22 से 29 फरवरी के बीच में क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो स्कॉर्पियो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड डेथ। तो स्कॉर्पियो आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशानी दुविधा में है, उनको बार बार महसूस हो रहा है कि ये इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या वो खुद थर्ड पार्टी में है या तो उनका कोई जो है कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई मतलब ऐसा है जो जिनकी वजह से इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, जो उनके घर में थर्ड पार्टी सिचुएशन का काम कर रहे हैं। तो इस वजह से बार बार ये रिश्ता टॉक्सिक बना हुआ है, यानी कि रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसमें लस्ट और एडिक्शन होने के कारण या इसमें हो सकता है या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर इसमें इतनी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग हो सकता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिविटी फैलाना, लोगों से अच्छे से बातें ना करना, एनवायरनमेंट को दूषित करना, तो इस तरह की मतलब सिचुएशन आप फील कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है। और आपको ये भी लग रहा है कि जब तक इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी, जब तक इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा, इन चीज़ों को बदला नहीं जाएगा, तो चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, जॉब बिजनेस हो सकता है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जो या थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी। जब तक इन चीज़ों में आमने सामने बैठकर क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होता, खुलकर सब कुछ सामने नहीं होता, रिश्ता बनता है या बिगड़ता है वो सब बात की बातें हैं, लेकिन इस रिश्ते में अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जाती है तो इसमें क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। क्लियर जब बातें क्लियर होंगी तो तभी इस रिश्ते के बारे में सोचा जा सकता है। फिलहाल के लिए उन्हें महसूस हो रहा कि ये रिश्ता उनके लिए टॉक्सिक बन सकता है अगर वो रिश्ते में आगे बढ़े, और जब तक चीज़ों को चेंज नहीं कर लेंगे, जब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगे, तो वो काफ़ी स्कॉर्पियो आपके पर्सन काफ़ी परेशानी और महसूस कर रहे हैं और इस रिश्ते को लेकर काफ़ी वो दुखी हैं। तो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें कुछ ऐसी चीज़ मिली ही नहीं है जो उन्हें थोड़ी सी भी खुशी दे सके। तो हालांकि वो अभी भी क्लैरिटी चाहते हैं, आमने सामने आपसे बातें करना चाहते हैं और उन चीज़ों को जो भी इस रिश्ते में, क्योंकि क्लैरिटी आएगी तो जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट है उनका सॉल्यूशन निकलेगा और हो सकता है कि चीज़ें आगे बढ़ जाएं या फिर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में वो सोच रहे हैं। तो जो है स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और या फिर ये बहुत सारे जो है दोनों कार्ड जो हैं मेजर और काना के, तो 12 की 12 राशियां इसमें हो सकती हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे चाहते क्या हैं।
तो अभी उनको यही फील हो रहा है कि इस रिश्ते में क्लैरिटी होनी चाहिए। और तो वो आपसे चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेडली सडनली उनको लग रहा है कि ये रिश्ता, वो चाह कर भी वो इस अपॉर्चुनिटी से, मतलब इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार उन्हें घेरे हुए है, जो जो इस रिश्ते को, जिसकी वजह से रिश्ता टॉक्सिक बना हुआ है, वाद विवाद चला हुआ है, एंजाइटी स्ट्रेस है, वो काफ़ी कोशिश, वो हालांकि इस रिश्ते में चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो। यहाँ एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है, इमैच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन बार बार उनको लग रहा है कि अगर ये यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर वो आगे बढ़े तो चीज़ें हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में ठीक हो जाए। तो उन्हें यही फील हो रहा कि अगर वो क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुल कर बातें करेंगे, और इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से जो उनके पर्सन ने, यानी कि स्कॉर्पियो ने बनाया हुआ है, जब तक वो आंखों से पट्टियां नहीं खोलेंगे, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकलेंगे, उनसे आमने सामने खुल कर बातें नहीं करेंगे, तो जब तक इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं आती रहेंगी। और वो चाहते हैं कि सडनली इसमें कोई भी डिसीजन ना ले, ना तो आगे बढ़ने के लिए, ना ही इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। वो पहले अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करें, रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, और तभी वो इसमें एक्शन लें। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन इसमें ना लें, क्योंकि इसमें काफ़ी चाह कर भी इस रिश्ते से अभी ना तो बाहर हो सकते हैं और ना ही इस रिश्ते में जा सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, स्वॉर्ड आँखों से पट्टियाँ खोलते हुए आमने सामने अगर थोड़ी बहुत बातें होंगी तो चीज़ों में क्लैरिटी आ सकती है, और हो सकता है कि कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए फिर से बिगनिंग और शुरुआत हो जाए, या फिर अपने नए रिश्ते की तरफ रुझान कर। तो देखते हैं वो क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं इसमें, क्या वो कोई एक्शन लेंगे? स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे? द स्टार, थ्री ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, काफ़ी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्शन आपसे महसूस करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाए, अगर उनके पर्सन जो है अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो अभी भी आप पर नज़रें बनाए हुए हैं ऑनलाइन, वो अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या जैसे भी पॉसिबल होता है वो आपको देख रहे हैं कि क्या चला हुआ है, क्या नहीं चला हुआ है। तो इसलिए वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन के करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस रिश्ते को मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव रहा है, कुछ इस रिश्ते में बचा ही नहीं था। तो अगर हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, या फिर किसी सुपीरियर से, किसी हीलर से, किसी ऐसे पर्सन से जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, उनकी मदद लेते हुए अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाया जाता है और उनके साथ मिलकर कुछ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ इस चीज़ का इंतज़ाम किया जाता है, यानी कि आमने सामने बैठ कर अपने बातें क्लियर की जाती हैं, और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए जो वो कुछ भी बोल देते हैं, जो भी बोलते हैं, भले ही वो साफ साफ ठीक होता है लेकिन कड़वा होता है। तो अगर अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता फिर से सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसलिए वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि वो एक इस रिश्ते को एक मौका और दें और इस रिश्ते को खुशहाल बनाएं, क्योंकि उनको लगता है कि रिश्ते बार बार नहीं बनते, और इस रिश्ते को हील करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपनी गलतियाँ मानेंगे, और जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो गीले सिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है?
यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। इसमें रुकावटें, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे के साथ चीटिंग फ्रेब करना, वो सब चला हुआ है। तो यूनिवर्स ही चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते से अलविदा करें, लेट गो करें, इस रिश्ते से बाहर निकलें, क्योंकि अगर आप वापस फिलहाल के लिए इस रिश्ते में आते हैं तो आपको पनौती, बाधाएं, रुकावटें, उसके सिवाय कुछ नहीं मिल सकता। और जब तक इस क्योंकि इसमें एंजाइटी, स्ट्रेस है, रातों की नींद हराम हो चुकी है, टेंशन और प्रॉब्लम है, जब तक इसका हल और सोल्यूशन नहीं निकल जाता, जब तक इस रिश्ते से अलविदा कीजिए, पीछे मुड़कर फिलहाल के लिए मत देखिए और अपने स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों पर काम कीजिए। अगर इन पर अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि आगे जाकर रिश्ता ठीक हो सके, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना है। अभी आपको मुड़कर वापस नहीं देखना है। जब तक आप अच्छे से स्टेबल नहीं हो जाते, जॉब, बिजनेस, करियर, उन चीज़ों अपने लिए सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनते, खुद के लिए फोकस नहीं हो जाते, तब तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जब तक इसका नेगेटिविटी हल, सॉल्यूशन इसका नहीं निकल जाता। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद भी मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।